उम्र अय्यार। कोई तिलिस्मी दुनिया की कहानी सुना मत, कोई काफ की। सबसे बड़ी फिल्म, तहलका मचा देने वाली कहानी। You really don't know who you are। सबसे ज्यादा बिजनेस, लेकिन हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जादू, साइंस और पूरी इसरारियत का हसीन इम्तिजाज। एक ताकतवर फ्रीक को हाजिर करना चाहता है। नॉर्थ अमेरिका के सिनेमाओं में रिलीज हो चुकी है। इलाके में लक्का की हुकूमत चलेगी। आज ही अपने करीबी थिएटर्स जाएं, चेक करें। तुम्हें वाकई मुझ पे इतना भरोसा है? दुनिया भर में कहानियों में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ये किरदार पहली मर्तबा आपके सामने। मान लोगे तो जान लोगे। उम्र अय्यार देखना मत भूलिएगा। दुश्मन से कह दो हम आ रहे हैं। और देखने का मौका मत गवाइएगा। अय्यारों तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। नजर डालते हैं आज की ताज़ातरीन खबर की जानिब। एक ओवर में 38 रन बन गए। काउंटी चैंपियनशिप में इंग्लिश स्पिनर शुएब बशीर के एक ओवर में 38 रन बन गए। काउंटी चैंपियनशिप में स्ट्रे और वर्सिस्टर शायर के दरमियान खेले गए मैच में डेन लॉरेंस ने शुएब बशीर के एक ओवर में 5 छक्के जोड़ दिए। डेन लॉरेंस ने 4 छक्के स्ट्रेट पर लगाए जबकि 5वां छक्का मिड विकेट पर स्लो स्विप था। शुएब बशीर धुलाई के बाद अपनी लाइन और लेंथ भी भूल गए। शुएब बशीर ने एक नो बॉल की जिसके बायस 2 रन बन गए, फिर एक वाइड बॉल की जो विकेट कीपर से मिस होकर बाउंड्री लाइन पर चली गई और इजाफी 5 रन बन गए। डेन लॉरेंस ने 223 गेंदों पर 175 रन की दिलकश इनिंग्स खेली। उनकी इनिंग में 16 चौके और 6 छक्के शामिल थे। स्ट्रे की टीम पहले इनिंग में 490 रन बनाकर आउट हुई। जवाब में वर्सिस्टर शायर ने 7 विकेटों के नुकसान पर 147 रन बनाए हैं जबकि उन्हें वर्सिस्टर शायर की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 343 रन दरकार हैं। देसी टीवी यूएसए से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारे चैनल्स देसी टीवी यूएसए, डीटीवी एनएन और हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म डीटीवी फ्लिक्स, जहां पर आपको 3000 से ज्यादा चैनल्स देखने को मिलेंगे। दुनिया की कहानी सुनाऊंगा। कौन सी? कोई काफ की। हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उम्र अय्यार आर साइफाई उर्दू हिंदी फिल्म हैज बीन रिलीज्ड ऑन ईद्रे। प्लीज चेक लिस्टिंग थिएटर नियर यू। मस्ट वॉच फिल्म उम्र अय्यार। इस इलाके में लक्का की हुकूमत चलेगी।